भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ को उद्योगपति होने का घमंड हो गया है। वे बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने एक दलित महिला प्रत्याशी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर उन पर कार्रवाई की है। शर्मा ने भोपाल में आरिफ मसूद के एक आतंकवादी संगठन के समर्थन में रैली करने पर भी कांग्रेस और कमलनाथ से कार्रवाई करने की बात कही है। वीडी शर्मा ने कहा, कमलनाथ को संविधान पर भरोसा नहीं है, वे चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं। कमलनाथ ने एक दलित प्रत्याशी का अपमान किया और उस पर माफी नहीं मांगी। उनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की बात नहीं मानी और अब चुनाव आयोग की बात नहीं मान रहे। उन्होंने कहा, भाजपा ने हमेशा बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों पर कार्य किया है और दलितों के उत्थान के लिए हमेशा कार्य किए, लेकिन कमलनाथ बाबा साहेब के बनाए संविधान को दरकिनार कर रहे हैं। कमलनाथ के शराब और प्रशासन वाले बयान को लेकर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि जिसने जो किया और देखा वो वैसा ही सोच रहा है और बयान दे रहा है। कमलनाथ उद्योगपति हैं और उन्होंने शराब माफियाओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, कमलनाथ और दिग्विजय ने अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया है और कल इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से एक्शन किया है कमलनाथ जी के ऊपर, चुनाव आयोग ने एक दलित समाज की महिला के ऊपर जिस प्रकार से टिप्पणी की थी, उसकी कंप्लेंट चुनाव आयोग को हुई थी, तो चुनाव आयोग ने इस देश के अंदर दलित अस्मिता को बचाने का जो प्रयास किया है और उस पर कमलनाथ की जो टिप्पणी आई, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि मेरी आवाज़ बंद करने का प्रयास किया गया है, मैं कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी, आपकी आवाज़ तो खुली है, चुनाव आयोग ने आपकी आवाज़ तो नहीं रोकी, लेकिन आवाज़ बंद करने का, लेखनी बंद करने का इतिहास कांग्रेस का रहा है और आपने आज भी इरोगेंसी और गुरूर घमंड दिखाया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपके ऊपर क्वेश्चन खड़ा किया था, आगाह किया था, आपके नेता राहुल गांधी ने आपको आगाह किया था, माफी मांगने के लिए कहा था, उस समय भी आप गुरूर घमंड में थे, आज भी आप गुरूर घमंड में हैं। आप चिंता मत करिए, 3 तारीख को जनता आपका घमंड और गुरूर जरूर उतारेगी। बीजेपी के नेतृत्व ने क्या ही है, आज इस देश के अंदर दलितों की अस्मिता के सम्मान से लेकर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर काम करने का अगर किसी ने प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, इस बात का भी जवाब दीजिए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस प्रकार से इस संविधान पर काम कर रहा है और यह संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है, आप तो बाबा साहब अंबेडकर को संविधान को भी दरकिनार करना चाहते हैं। कमलनाथ जी, एक दलित महिला के ऊपर जिस प्रकार के अपशब्दों का आपने उपयोग किया, जिसको चुनाव आयोग से लेकर पूरे भारत की जनता ने जिसके बारे में कहा गया और आलोचना हुई, आपसे माफी मांगने का दबाव बना, आप इतने बड़े एरोगेंट हैं, आप इतने बड़े गुरूर घमंड है आपको उद्योगपति होने का, क्या दलित महिला के आपने जो गलत शब्द उपयोग किए उस पर आप एक शब्द माफी नहीं मांग सकते। शर्मा ने भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के आतंकवादियों के समर्थन में सभा करने को लेकर सवाल खड़ा किए और कहा कि कमलनाथ बताएं क्या वे आरिफ मसूद की इस हरकत पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों की तरफदारी करती आई है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या फिर आरिफ मसूद। क्या इस प्रकार से जो चीजें आपके नेताओं ने, आरिफ मसूद ने जो की, उनके खिलाफ कांग्रेस कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि जैसे आप हैं वैसे ही आपके लोग हैं, इसलिए आतंकवाद के समर्थन में खड़ा होने का काम कांग्रेस के नेतृत्व का आज से नहीं, इनका इतिहास रहा है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो चाहे वो कमलनाथ हो। धारा 370 को पुनः बहाली करने की बात करते हैं और आतंकवाद का समर्थन करके आर एम मसूद जैसे उन लोगों को जो देश के खिलाफ खड़े हैं उनके समर्थन में आप खड़े, ये मध्य प्रदेश की जनता सोनिया गांधी से भी पूछना चाहती है और कमलनाथ आपसे भी पूछ रहे हैं। गरीबी किसी माँ के स्वास्थ्य पर बोझ ना बने, इसलिए सरकार प्रसूति से पहले माँ को पौष्टिक भोजन के लिए 4,000 रुपए देती थी। बच्चे के जन्म के बाद माँ को कमाने की मजबूरी ना रहे, माँ बच्चा स्वस्थ रहे, इसलिए मिलते थे 12,000, ताकि माँ को पूरा आराम मिल सके और बच्चे को पूरा पोषण। फिर 15 महीने इन लोगों ने सब बंद कर दिया, जच्चा और बच्चा दोनों को भूल गए, माँ के तो पेट पर ही लात मार दी।
माँ से चापे के लड्डू ही छीन लिए? ये पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। 10 रुपए में हर मार, 10 रुपए में हर। इतना महंगा दे रहे हैं? अरे हमारे बारे में भी तो कुछ सोचो। जी जी, ये तो मेरा धंधा है, पर तुम्हारा सोचने के लिए तो सरकार है। वो कैसे? शिवराज सरकार फिर आ गई प्रदेश में। अब जैसे तुम्हारी जरूरत का हर सामान यहाँ है, वैसे ही शिवराज को मजदूर के जीवन से लेके मरण तक का हर पल का ध्यान है। शिवराज भैया आ गए तो फिर शुरू हो गई संबल। अब वही जाते हैं और जाकर अपना संबल कार्ड ढूंढते हैं कि पिछली सरकार ने तो सब बंद कर दिया था। अब वही जाते हैं। जी जी, कार्ड संभाल के रखना, आगे बहुत काम आने वाला है। हाँ भैया, हर गरीब को भरोसा है, एक शिवराज है जो हमेशा साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।